क्या नाम हुआ आपका? जी सॉरी बोल रहा हूँ। अच्छा आप क्या हैं? मुखिया। किस पंचायत के? सिमरिया। सिमरिया वन। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्रामीण विकास कहाँ तक हो पाया है? 3 साल 10 में आप लोग का बीत चुका है, अब आप बताइए कि आप अपने काम से कितना परसेंट संतुष्ट हैं? आधा काम हुआ है, आधा कार्यकाल भी हुआ है तो आधा काम भी हो चुका है। और 2006 का जो नियमावली था वो बेहतर था कि अभी नियम कानून जो पंचायती राज का है अभी फिलहाल तो बेहतर कानून नहीं है, अभी तो लगता है वो नहीं अथी हुआ है, पहले ठीक था, हमारा थोड़ा सा काम बहुत कम हो रहा। आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई लिखाई भोजन की व्यवस्था या मिडिल स्कूल में भोजन की व्यवस्था पढ़ाई लिखाई संतुष्ट है? नहीं नहीं है संतुष्ट। और शिक्षकों वगैरह की भी कमी है? जी बहुत कमी है, बहुत कमी है। इस बार वोट किसको कर रहे हैं? समय आएगा तो बता ही देंगे, समय आएगा तो दे ही देंगे। मेरा नाम बबन कुमार है। आप सिमरिया एक के मुखिया है? मैं सिमरिया एक के पूर्व मुखिया हूँ, मेरी पत्नी वर्तमान सोनी कुमारी मुखिया है। अच्छा सोनी कुमारी मुखिया। हाँ आप ये बताएं कि 2019 का चुनाव शर पे है, हाँ। परिस्थितियाँ दिनों दिन क्या हो रही है वो आप समझ रहे हैं, ये बताएं कि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र का क्या हश्र होने वाला है? देखिए बेगूसराय में तो खास करके जनप्रतिनिधि जिस तरह अगली बार भोला बाबू को यह सोचकर बनाया गया कि वह बेगूसराय का बेटा है, यह सोचकर बनाया गया और शायद बेगूसराय का उद्धार ही करेंगे, लेकिन उन्होंने तो खास कर अपने पंचायत की बात करता हूँ कि उन्होंने तो मेरे पंचायत को गोद में लिया, शायद कब पटक दिया पता भी मुझे नहीं चला, वो उन्हीं को सिमरिया ही गोद ले लिया लास्ट में, वो तो काम कर नहीं सके। अभी जिस तरह स्थिति बना हुआ है क्या मतदाता किस करवट लेगा, मतदाता गुम हो चुका है क्योंकि अभी दमनदेही का समय चल रहा है पंचायत में, जिस तरह अभी बीजेपी कार्यकर्ता जो भी है छुटभैया नेता वो नेता तो खास करके पंचायत में अपना दबंगई स्तर पर काम करते हैं, मतदाता किस करवट किसको वोट देगा ये तो करना मुश्किल है, बीजेपी कार्यकर्ता से कोई खास संबंध मेरे पंचायत में है। क्या लग क्या रहा है? लग रहा है पहले से तो झगड़ा होगा कम होगा, इसका भी खुलासा करने लगे मैं अपने अंदाज से कर रहा हूँ कि जीतेंगे कहना मुश्किल है, अभी युवा जोश क्या है, जब मतदाता चुप है इसका मतलब चुप का मतलब है उसका समर्थन बढ़ रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता पढ़े पढ़े और खास करके मतदाता चुप है इसका। क्या बेगूसराय की जनता क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके सोच रही है? हर जगह क्षेत्रवाद होता है, जातिवाद होता है। बेगूसराय की जनता की बात मैं ही तो बेगूसराय की जनता हूँ, मैं जब बेगूसराय की जनता बोल रहा हूँ तो बेगूसराय का भी करवट हो सकता है, यानी कन्हैया कुमार की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, दिनों दिन मजबूत होती जा रही है खास करके बीजेपी कार्यकर्ता के कुकर्म के मुताबिक, मेरे पंचायत में जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता का धमाकेदार दबंगई चलता है उससे मतदाता हमारे पंचायत में क्षुब्ध होते हैं। आपको ये लगता है कि यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं या लोकल जो नेता हैं बीजेपी के या एनडीए के उनके क्रियाकलाप से जनता खुश नहीं? ना कोई खुश नहीं है, बीजेपी एनडीए जो कार्यकर्ता है। अच्छा बोला बाबू तो इस गाँव को गोद भी लिए थे, इस पंचायत गाँव को हाँ गोद लिए थे, तो क्या विकास कर पाए बोला भोला बाबू के द्वारा तो कभी विकास हो ही नहीं पाया, भोला बाबू खुद विकास हुआ कम से कम बेगूसराय के सांसद तो बने,